हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ बूंदी का रायता और उड़द की दाल की कचौरी की रेसिपी। इसके साथ आप आलू की सब्ज़ी, छोले, कुछ भी बना सकते हैं। उसकी रेसिपी मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में दी हुई है। तो आज फ़िलहाल मैं आपको कचौरी और रायता बनाना सिखाऊँगी। तो कचौरी के लिए हमने घर में जो काली दाल होती है वो ले ली है और उसको एक मिक्सी के जार में डाल लिया है, जिसको हम पीस कर पाउडर तैयार कर लेंगे। अब ये देखिए, ये हमारी दाल पिस चुकी है। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भिगोकर 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और इसको बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है भिगोकर, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है पानी, लेकिन इतना डालना है क्योंकि अभी ये फूलेगी तो फिर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। तो इसमें पानी इतना डालना है कि फूलने के बाद ये ऐसी हो जाए जैसा हमारा आलू का भरावन होता है कचौरी में भरने वाला, तो उस तरीके का हो जाए। इतना पानी डालिएगा। ये देखिए, अब हमारी दाल फूल चुकी है। ये देखिए, अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल चढ़ा लिया है। अब इस तेल को, ये तेल पक गया है, देखिए इसमें मैंने अपनी दाल छोड़ दिया। चिकनाई थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा डाली क्योंकि ये कढ़ाई में चिपकती है, और इसे फ्राई करने के लिए एक भारी थली वाली कढ़ाई का ही यूज कीजिए क्योंकि ये चिपकती बहुत ज़्यादा है। अब इसमें हम अपने मसाले ऐड करते हैं, नमक अपने स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा आमचूर पाउडर। अब सारे मसालों को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, चलाते हुए इसे अच्छे से भून लेते हैं। अब ये देखिए, ये हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं और ये हमारी दाल बिल्कुल खिली-खिली अच्छी भुनी है। अब हमने इसे एक कटोरे में निकाल लिया है। ये देखिए, ये बहुत अच्छी खिली-खिली बनी है और इसे बहुत ही अच्छा भरावन तैयार हुआ है। मसाले आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ही डालिएगा। अब हम आटा तैयार कर लेते हैं कचौरियों के लिए। आटे में आपको कुछ नहीं डालना है, सिर्फ जैसा हम रोटी का आटा बनाते हैं उसी तरीके का आटा मलना है हमें, बस उसमें नमक डालना है आटे में। अब एक कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें हम चिकनाई चढ़ा लेते हैं। ये देखिए हमारी कढ़ाई अब ये तैयार है, गर्म हो चुका है हमारा तेल, तो हम कचौरी बना लेते हैं। अब हमने आटे की लोई ले ली है, उसे हल्का सा बेल लिया है। अब इसमें हम अपना भरावन रखते हैं। अब इसमें हम इस तरीके से अपना भरावन रखेंगे। भरावन आप अपनी पसंद के अनुसार ही डालिएगा, उसमें कम पसंद है तो कम, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा। अब ये देखिए, मैंने कचौरी बेल ली है और अब इसे तल लेंगे। कचौरियों का ये ध्यान रखिएगा बेलते टाइम कि वो फटनी नहीं चाहिए, अगर कचौरी फट गई तो उसमें चिकनाई भर जाती है, उसका टेस्ट सारा ख़राब हो जाता है। ये देखिए, ये हमारी कचौरी बिल्कुल भी नहीं फटी है और अच्छी तली जा रही है। ये देखिए, अच्छी फूल कर आई है और बिल्कुल मार्केट जैसी बनी है उड़द की दाल की कचौरी। तो चलिए अब हम रायता बना लेते हैं। रायते के लिए मैंने दही ली है। अब इस दही को अच्छे से फेंट लेते हैं। तो ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी दही अच्छे से बिल गई है। अब इसको हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और उसमें भुना हुआ जीरा हाथ से मसल कर थोड़ा सा नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सफ़ेद नमक। नमक आप रायते में भी अपने स्वाद और क्वांटिटी के हिसाब से ही डालिएगा। ये देखिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। कचौरी के साथ इसी तरीके का रायता अच्छा लगता है। अब इसमें हम बूंदी डाल देंगे। ये देखिए, अब ये बूंदी डाल दी है। अब हम इसमें हींग और मेथी का तड़का लगाएंगे। आप कोई भी रायता बना रहे हो उसमें आप मेथी और हींग का तड़का लगा कर देखिएगा एक बार, उसका टेस्ट और फ्लेवर बिल्कुल ही अलग आता है और वो नुकसान भी नहीं देता है। ये देखिए, ये मैंने लोहे का चमचा ले लिया है, इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है। अब इस तेल में, ये तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इस तेल में मैं मेथी और हींग डाल दूंगी और जब ये अच्छे से चटक जाएंगे तो इनको मैं अपने रायते में मिक्स कर दूंगी।
इसकी खुशबू रायते में एक अलग ही फ्लेवर लाती है और रायता बहुत टेस्टी लगता है। तो ये लीजिए, मेरा रायता भी तैयार है। अब मेरी ये दाल और रायते की रेसिपी आपको कैसी लगी? थैंक यू।